नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवाइ पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में सत्ता में आने के बाद एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है कांग्रेस। सीएम सुक्खू की सरकार ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी की सरकार में चल रहे कुल 307 कार्यालयों पर लगा दिया ताला, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान कि कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार नई ऊर्जा नीति बनाने पर कर रही है विचार। नई ऊर्जा नीति के तहत भविष्य में निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में छूट का पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा प्रावधान। पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर भी किया जाएगा विचार। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पूर्व विधायक जवाहरलाल ठाकुर पर की है बड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने जवाहर ठाकुर को जारी कर दिया है कारण बताओ नोटिस। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं प्रभारी राकेश जामवाल द्वारा जवाहरलाल ठाकुर को भेजा गया है यह नोटिस। अग्निपथ योजना के तहत पहली दफा अग्निवीर भर्ती रैली का धर्मशाला में किया जाएगा आयोजन। कांगड़ा और चंबा जिला से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार 16 जून से 25 जून 2023 तक अग्निवीर भर्ती रैली की जाएगी आयोजित। डीसी कांगड़ा ने दी जानकारी कि इस बार अग्निवीर भर्ती रैली में लगभग 7 से 8 हजार युवा लेंगे भाग। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की 20वीं बटालियन के समस्त अधिकारियों व जवानों ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में पीतल धातु से बने शेरों की जोड़ी की है भेंट। करीब 400 किलो पीतल से बनी शेरों की इस जोड़ी को मंदिर की यज्ञशाला के समीप स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया स्थापित। चंबा के चुराव में अवैध पेड़ कटान के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाया है कड़ा रुख। अदालत ने पुलिस थाना तीसा की जांच पर जताई है नाराजगी। अदालत ने दिया बयान कि एसआई ने लापरवाही से की इस मामले की जांच और अवैध पेड़ कटान का नहीं दिया है कोई संदर्भ। अदालत ने डीएसपी सलूनी को सौंपा है अब जांच का जिम्मा और सील्ड कवर में तलब की है रिपोर्ट। पहली बार मंडी में हिमाचल की चेरी को 2000 रुपए बॉक्स का मिला है रिकॉर्ड दाम। शिमला की चेरी को बढ़िया गुणवत्ता और बड़े आकार के चलते खरीदारों ने लिया हाथों हाथ। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के बड़े मॉल में फ्रूट सप्लाई करने वाले एजेंसी ने खरीदी यह चेरी। बॉक्स के भीतर पारदर्शी पैनेट में पैक थी चेरी। जोगिंद्रनगर पठानकोट ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही रेलगाड़ियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे विभाग ने और रेलगाड़ी को भी पटरी पर दौड़ाने की शुरू कर दी है तैयारियां। जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, पपरोला और नूरपुर तक दौड़ रही गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सभी रेलगाड़ियों में भी बढ़ा दी गई है बोगियां। 6 माह बाद बहाल हुए सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग से आने वाले दिनों में कुल्लू, मनाली और लाहौल की वादियों में सैलानियों से होगी गुलजार। मई का शुरू हो गया है दूसरा पखवाड़ा, लेकिन कुल्लू मनाली में होटलों की ऑक्यूपेंसी अभी तक चल रही है 60%। अब 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग खुलने से मनाली के पर्यटन को मिलेगी संजीवनी। प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम रह सकता है खराब। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 20 मई तक हो सकती है बारिश। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का है पूर्वानुमान। 18 मई को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की है संभावना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।